यह क्लास अपने जेट 2022, आईसीआर 2022 और बीएचयू 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। इसमें हम पर्टिकुलर बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जिनसे बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं और जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सभी इन पॉइंट्स को एक बार ज़रूर देखें ताकि अपने को अच्छे नंबर लाने में, अच्छे क्वेश्चन करने में, पॉइंट को समझने में, क्वेश्चन को की भाषा को सरल बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम स्टार्ट करते हैं। ये अपने सिलेक्शन तो अपना पक्का है। इतनी मेहनत, जितनी मेहनत आपने साल भर में की है, कई क्रेश कोर्स के बच्चों ने भी बहुत अच्छी मेहनत की है, उनका सिलेबस भी बहुत अच्छे ढंग से हुआ है। अब ये 3-4 दिन का टाइम है, उसमें पूरे सिलेबस का जो निचोड़ है कि कैसे हकीकत में अपने को एक साथ एक तरीका याद हो जाए कि हकीकत में ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो क्रेश कोर्स के बच्चों के लिए तो बहुत ही रामबाण है ये। और साल भर के बच्चों के लिए, जो क्रेश कोर्स के अलावा बच्चे हैं जिन्होंने टारगेट बेच में थे, उनके रिवीजन के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण रामबाण क्लास है, जो आपके पॉइंट्स भी क्लियर होंगे और क्वेश्चंस भी क्लियर होंगे। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, अंतः संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। देखो, एस बलों का, डी बलों का सभी को आता है, मैं बता देता हूँ। एस बलों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है, डी बलों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1D और NS होता है। डी में 1 से 10 होते हैं, एस में 1 से 2 होते हैं। ऐसे ही अंतः संक्रमण का मतलब होता है एफ ब्लॉक, इसमें N-2 होता है, N-1 होता है और N होता है। N-2F होता है, N-1D होता है और NS होता है। NS में 2, F में 1 से 14 तक और D में 0 से 1। ये बात याद रखनी पड़ती है कि F ब्लॉक तत्वों में D में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन, या तो 0 ही होगा क्योंकि ये तो D ब्लॉक का तो है ही नहीं ना, ये तो F ब्लॉक का है, इसका मतलब या तो D में 0 होगा या 1 होगा अपवाद स्वरूप। ये है अंतर संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बार बार जेट में डी ब्लॉक और एस ब्लॉक का पूछा जा रहा है, पिछली बार डी ब्लॉक का पूछा, अब की बार एफ ब्लॉक का चांस है। आपको पता है एफ ब्लॉक के तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है, लेंथेनोइड और एक्टिनोइड में बांटा गया है, मैंने लिखा भी है। लेंथेनोइड तत्व सीरियम से स्टार्ट होकर ल्यूटेशियम तक जाते हैं, 58 से 71 तक जाते हैं, ये 6ठे आवर्त में आते हैं और ये आवर्त जो वर्ग है इनका वो है 3rd में और ये 3rd बी में आते हैं। सबसे बड़ा वर्ग भी 3rd भी है, आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त भी 6ठा आवर्ती है। लेकिन जो एक्टिनोइड है वो एक्टिनोइड स्टार्ट होते हैं थोरियम से लेकर लोरेंशियम तक होते हैं, याद रखना लोरेंशियम, ये था ल्यूटेशियम और ये है लोरेंशियम। 90 से 103 है, ये 7वें आवर्त में आता है और ये 3rd बी में ही आते हैं, लेकिन 7वां आवर्त अपूर्ण होता है क्योंकि इसमें पी ब्लॉक नहीं होते हैं। चलो भाई, दुर्लभ मर्दा धातु है वो लेंथेनोइड को कहा जाता है, तो सारे लेंथेनोइड को मिलाकर दुर्लभ मर्दा धातु बोला जाता है, इसको भी याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। एस ब्लॉक में 1st एक उच्छारी धातु, 2nd एक उच्छारी मर्दा धातु, डी ब्लॉक को संक्रमण धातु कहते हैं, एफ ब्लॉक में लेंथेनोइड को दुर्लभ मर्दा धातु कहते हैं। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। 93 से आगे के सारे तत्व ट्रांसयूरिनी कहलाते हैं, ये रेडियो एक्टिव होते हैं। 93 से आगे वाले सारे तत्व ट्रांस यूरेनिक का मतलब है यूरेनियम के बाद वाले, 92 के बाद वाले, 93 से स्टार्ट होने वाले ट्रांस यूरेनिक होते हैं। पॉइंट आता है निकोजन किसे कहते हैं, चालकोजन कौन से तत्व होते हैं, हेलोजन कौन से होते हैं, एरोजन कौन से होते हैं, मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले बात होती है निकोजन, तो 5th ए वाले को या 15वें वर्ग वाले को या नाइट्रोजन परिवार को निकोजन वर्ग कहा जाता है। चालकोजन कहते हैं 6th ए वाले को या कहते हैं 16वें वर्ग वाले को या कहते हैं ऑक्सीजन परिवार को कहते हैं, वो चालकोजन कहते हैं। हेलोजन आते हैं 7th ए में आते हैं, सारे के सारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सारे के सारे हेलोजन आते हैं और इन्हें 17वें वर्ग में रखा जाता है। एरोजन बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस को बोलते हैं, अक्रिय गैसों को बोलते हैं, इनर्ट गैस को बोलते हैं, ये 18वें वर्ग में आती है और इसको 0वें वर्ग भी बोलते हैं। ठीक है भाई, चारों मैंने अलग अलग बताए हैं, निकोजन, चालकोजन, हेलोजन और एरोजन। अगला पॉइंट देखते हैं, आपके आ रहा है विकर्ण संबंध। याद करो, दूसरी आवर्त के तत्व तीसरी आवर्त के तत्वों के साथ उनके अधिकांश रासायनिक गुण एक समान होते हैं और वो अधिकांश रासायनिक गुण जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, बेरियम के नीचे मैग्नीशियम है, बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम है और आगे देखो कार्बन के नीचे सिलिकॉन है।
ये लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, बोरोन सिलिकॉन के साथ ये आपस में विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं। इसका कारण है बिल्कुल समान आयनिक विभव। समान आयनिक विभव का मतलब है आवेश अपोन आकार एक समान होना चाहिए। तो ये फाई है ना, फाई ये बिल्कुल एक समान है। तो दोनों तत्वों का आवेश अपोन आकार का अनुपात लगभग एक समान होता है। ये गुण तो एक समान है, विकर्ण संबंध प्रदर्शित करने का मुख्य कारण ही यही है। लेकिन विद्युत ऋणता भी लगभग एक समान होती है, आकार भी लगभग एक समान होता है, और इनके अधिकांश गुण आपस में एक समान होते हैं। दूसरा है उभयधर्मी ऑक्साइड। कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके चाहे ऑक्साइड हो चाहे हाइड्रोक्साइड हो वो उभयधर्मी होते हैं, वो अम्लीय भी होते हैं और क्षारीय भी। बेरिलियम है, एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है, जिंक है, एसएन है, पीबी है, आर्सेनिक है और एसबी है। इनके चाहे ऑक्साइड हो चाहे इनके हाइड्रोक्साइड हो ये होते हैं उभयधर्मी। उभयधर्मी का मतलब होता है, एम्पिटोरिक का मतलब होता है, ये अम्ल के साथ भी क्रिया करते हैं और क्षार के साथ भी क्रिया करते हैं। चलो भाई अगला पॉइंट देखते हैं। अब आ रहा है जो कुछ यौगिक आपके सामने, कुछ ऑक्साइड आपके सामने दे रखे हैं कुछ धातुओं के, उनके आपको नाम बताना है। सभी जरूर लिखे कि इनका क्या क्या नाम है। तो एक बार SNO2 को बोलते हैं केशिटेराइट, ये टिन का आइस्क है इसे केशिटेराइट बोलते हैं। MnO2 को बोलते हैं पाइरुलोसाइट, पाइरुलोसाइट बोलते हैं। और ZnO को बोलते हैं जिंकाइट, ये जिंकाइट बोलते हैं। और इसको बोलते हैं डोलामाइट, डोलामाइट का मतलब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट को डोलामाइट बोलते हैं, ये याद रखना, कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट डोलामाइट कहलाता है। ये CuCO3 और CuOH का होल क्वाइस, इसे कहते हैं मेलेकाइट। अब की बार इसका ज्यादा चांस है क्योंकि पिछली बार आया था केलामाइन, और अब की बार इस या तो डोलामाइट जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट होता है उसे डोलामाइट कहते हैं। पर्टिकुलर में जोर दे रहा हूं जिस बात को अच्छे से याद करनी है। और CuCO3.CuOH का होल क्वाइस को मेलेकाइट कहते हैं। और आगे अगर दो अणु लगा दूं, दो मोल लगा दूं, तो इसे एज्यूराइट कहते हैं, इसे एज्यूराइट कहते हैं, ये याद रखना। मेलेकाइट और एज्यूराइट दोनों के दोनों कॉपर के आइस्क है, कॉपर का मुख्य आइस्क मेलाकाइट है। और आपको पता है इन दोनों में एक ही अंतर होता है, मेलेकाइट में आगे दो नहीं लगा हुआ होता, एज्यूराइट में आगे दो लगा हुआ होता है। इसे कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ पानी के 6 अणु हो इसे कार्नेलाइट कहते हैं, कार्नेलाइट कहते हैं। और CaF2 को फ्लोरस पार कहते हैं, जो एलुमिना के किसके दौरान, एलुमिना की विद्युत अपघटनी अपचयन के दौरान मिलाया जाता है, जो गलनांक को क्या कर देता है, कम। ये दोनों के दोनों ही एल्यूमिनियम के धातुक्रम के दौरान बाहर से मिलाए जाने वाले विद्युत अपघट्य होते हैं। इसका मतलब यहां हर चैप्टर की बात हो रही है, किसी न किसी पॉइंट के वजह से हर एक पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। इसे बोलते हैं क्रायोलाइट, क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का आइस्क है, ये एक विद्युत अपघट्य है, जो एल्यूमिनियम की विद्युत अपघटनी अपचयन के दौरान बाहर से मिलाया जाता है। Al2O3.2H2 को आप गर्म कर दोगे पानी बाहर निकल जाएगा, पानी बाहर निकलते एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा, इसे कहते हैं एल्यूमिना, इसे कहते हैं एल्यूमिना। और ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड इसे ही कहते हैं कोरोंडम, ये कोरोंडम इसका आइस्क है। और ये Fe2O3 ये हेमेटाइट था, पानी के 3 अणु आ गए, पानी के 3 अणु आते इसको नाम देते हैं लिमोनाइट। और ये गर्म करने, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया जा रहा है, ये भी आयरन का ऑक्साइड बना लेगा। ऐसे ही ये केलामाइन है ZnCO3, ये केलामाइन जिंक का ऑक्साइड दे देगा, CO2 बाहर निकल जाएगा। ये तीनों प्रक्रम आपको अभिक्रिया देके एग्जाम में पूछ सकता है कि ये तीनों प्रक्रम किसके उदाहरण हैं। तो आपको पता है किसी भी आइस को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करना निस्तापन कहलाता है। तो ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल है निस्तापन के, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल है निस्तापन के हैं भाई, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करना। विद्युत अपघटनी शोधन, इसका मतलब आपको पता है किसी भी धातु क्रम में, किसी भी धातु के धातु क्रम में अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए जो भी 4 प्रक्रम होते हैं, पहला सांद्रण, दूसरा ऑक्सीकरण, तीसरा अपचयन और चौथा शुद्धिकरण, ज्यादातर धातुओं के शुद्धिकरण के लिए कैथोड और एनोड काम में लिए जाते हैं, विद्युत अपघटनी शोधन विधि काम आती है। उसकी मुख्य पहचान है कैथोड शुद्ध धातु का बना होता है, एनोड अशुद्ध धातु का बना होता है, एनोड मोटा होता है, कैथोड पतला होता है।
और ये काम में ली जाती है, एजी, एयू, सीयू, जेडएन, निकिल और क्रोमियम। अपने सिलेबस में इनमें क्रोमियम अपने सिलेबस में आपको पता है कॉपर, आयरन और एल्यूमिनियम है, ये तो अपने को याद ही रखना है। आगे भाई ड्यूरालुमीन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम से पता पड़ रहा है ड्यूरालुमीन। इसमें एल्यूमिनियम तो आएगा ही, ज़्यादातर 95% इसमें एल्यूमिनियम ही होता है, थोड़ी बहुत मात्रा में कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज होता है, याद रखना ज़्यादा मात्रा में एल्यूमिनियम होता है। सोल्डर, सोल्डर मैंने बताया था टिन के साथ लेड आता है ना, टिन के साथ लेड अपने आता था, पहले सोल्डर सोल्डिंग करते थे, तो ये सोल्डर होता था ना, उसके तार में एक तो टिन होता है और एक पीबी होता है, तो एक तो एसएन आता है और एक पीबी आता है। पहले रेडियो वगैरह क्या हो जाता था खराब, तो सोल्डिंग की जाती थी। बेल धातु का मतलब होता है घंटा धातु, इसमें होता है कॉपर और टिन, इसका मतलब ये एक प्रकार का कॉन्स्टेंटन जैसा ही है, बस प्रतिशतता की मात्रा में अंतर है, यह भी एक प्रकार का कॉन्स्टेंटन ही है। और कॉपर और टिन को मिलाकर ही बेल धातु या घंटा धातु कहते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला स्टेनलेस स्टील, याद रखना स्टील के अंदर जो स्टेनलेस स्टील दे रखा हो तो आयरन, क्रोमियम और निकिल, आपको पता है स्टील में लोहा ज़्यादा होता है और लोहे के साथ क्रोमियम होता है, तो आपको याद रख लेना स्टेनलेस स्टील में आयरन, क्रोमियम और निकिल होता है भैया। अगला है पृथ्वी पर तत्वों की उपलब्धता, अर्थ क्रस्ट पर जो तत्व है उनकी प्रतिशतता क्या होती है, यह आपको एस ब्लॉक में, आवर सारणी में और धातु क्रम तीनों चैप्टर में बताया गया है, आपको याद आ रहा है, रिकॉल कर रहे हो आप बार बार, जिसको मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ अगर रिकॉल हो रहा है तुरंत याद आ रहा है, इसका मतलब उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, अच्छी नहीं रैंक वाली तैयारी है, उसको कोई नहीं रोक सकता, आप लगातार लगे रहिए, बस बातें बताई जा रही है उनको याद करते रहिए। सबसे ज़्यादा आपको पता है पृथ्वी के बाहर का लगभग 46% भाग ये बनाता है, लगभग 27% भाग ये बनाता है, लगभग 8% भाग ये बनाता है, तो ऑक्सीजन सर्वाधिक गैसीय तत्व है, सिलिकॉन उपधातु है, पृथ्वी के भूगर्भ में अर्थ क्रस्ट पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मैक्सिमम मेटल कौन है, एल्यूमिनियम है, डी ब्लॉक की आयरन है, एस ब्लॉक की कैल्शियम है, अगर धातुओं में बात आए तो एल्यूमिनियम, गैस में बात आए तो ऑक्सीजन, उपधातु में बात आए तो सिलिकन, जो अपने अर्थ क्रस्ट पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। लिथियम क्लोराइड के साथ पानी के दो अणु है, इसका मतलब इसमें सहसंयोजक गुण है, इसका आकार छोटा है, इसका मतलब इसका लवण आसानी से जलयोजित हो जाता है, छोटे आकार वाले लवणों का जलयोजन आसानी से होता है, इसीलिए इनमें पानी के अणु पाए जा रहे हैं। सेकंड ए का जलयोजन फर्स्ट ए से भी ज्यादा होता है, आकार छोटा होता है, आवेश ज्यादा होता है, जलयोजन ज्यादा होता है, पानी के अणु ज्यादा आते हैं। एक ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एस ब्लॉक के जो आयन दे रखे हैं उसमें आपको एक तो त्रिज्या का क्रम पूछ रहा है, एक चालकता का क्रम पूछ रहा है। देखो सबसे पहले आपको पता है चाहे आयनिक त्रिज्या हो चाहे सामान्य अवस्था की त्रिज्या हो, वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे कोष बढ़ेगा तो आकार बढ़ेगा, सबसे बड़ा आकार सीजियम का होता है, सबसे छोटा आकार लिथियम का होता है, लेकिन ये तो बाहर है, ये गैसीय अवस्था में है, ये पानी के बाहर है, अगर आपने इन आयनों को पानी में डाल दिया ना तो आपको पता है पानी में डालते इनका जलयोजन होगा, इन आयनों के चारों तरफ पानी के अणु आएंगे और आपको पता है जब पानी के अणु चारों तरफ आएंगे तो जलयोजन होगा, तो जो छोटा था ना बाहर पानी के बाहर जो छोटा था पानी में डालते उसके चारों तरफ पानी के अणु ज्यादा आएंगे, ये देखो छोटा आयन है, छोटे आयन के चारों तरफ पानी के अणु ज्यादा आएंगे, उसका जलयोजन ज्यादा होगा, इसका मतलब पानी में छोटा छोटा नहीं होता, पानी में छोटा जलयोजन होने के कारण बहुत मोटा हो जाता है, इसका मतलब लिथियम बाहर छोटा था पानी में डालते ही जलयोजन ज्यादा होने के कारण आकार बहुत बड़ा हो जाएगा, और जो छोटा था उसका आकार बहुत बड़ा हो जाएगा तो उस आयन की गति क्या हो जाएगी, कम, अगर आयन की विलयन में गति कम हो जाएगी तो इसका मतलब उसकी गति कम की हुई, आकार बढ़ गया पानी में तो उसकी चालकता अपने आप ही क्या हो गई, कम। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, जलीय अवस्था में चार आयन दे देगा लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, किसकी चालकता सर्वाधिक है, तो जो पानी के बाहर छोटा था वो पानी में बहुत बड़ा हो गया, उसका आकार बड़ा हो गया, उसकी गतिशीलता कम हो गई, उसकी चालकता कम हो गई, इसका मतलब सीजीएम की चालकता सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इसका जलयोजन सबसे कम हुआ है, इसका पानी में आकार सबसे कम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला आपको पता है लिथियम मुख्यतः ऑक्साइड बनाता है, सोडियम परऑक्साइड बनाता था, लेकिन रुबिडियम, सीजीएम और पोटेशियम ये तीनों सुपर ऑक्साइड बनाते थे, सुपर ऑक्साइडों की प्रवृत्ति रंगीन होती थी और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण इनकी पहचान थी कि ये अनुचुंबकीय होते थे, और अंतरिक्ष में ऑक्सीजन स्रोत के तौर पर पोटेशियम सुपरऑक्साइड को काम में भी लिया जाता था, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑक्साइड और परऑक्साइड रंगीन नहीं होते, अनुचुंबकीय नहीं होते, जबकि सुपरऑक्साइड रंगीन होते हैं और अनुचुंबकीय होते हैं।
लिथियम से फर्स्ट एके कार्बोनेट में ऊपर से नीचे जाएंगे, आयनिक गुण बढ़ेगा, कार्बोनेट का तापीय स्थायित्व बढ़ेगा। मतलब वो कार्बोनेट ज्यादा स्थायी होगा जिसका आकार बड़ा होगा, जिसमें आयनिक गुण ज्यादा होंगे। कार्बोनेट अपने आप में बड़े आकार वाला है, बड़े आकार के साथ बड़े आकार का आयनी स्थायी होता है, तो बड़ा बड़े के साथ स्थायी है। तो फर्स्ट ए और सेकंड ए में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कार्बोनेट का, सल्फेट का, इनका ताप ही स्थायित्व बढ़ता है। पानी में विलयता अलग चीज है, पानी में विलयता जलयोजन ऊर्जा और जालक ऊर्जा से देखी जाती है, इसका मतलब, और ताप ही स्थायित्व देखा जाता है फाई से, सहसंयोजक गुण से और आयनिक गुण से। आयनिक गुण ज्यादा, ताप ही स्थायित्व ज्यादा, लेकिन पानी में विलयता जलयोजन ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए जालक ऊर्जा से, तो पानी में विलय ज्यादा होगा। फर्स्ट ए वाले चाहे कार्बोनेट हो, चाहे सल्फेट हो, चाहे नाइट्रेट हो, पानी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विलयता बढ़ती है फर्स्ट ए के लवणों की, जबकि सेकंड ए की घटती है। अपवाद था केवल हाइड्रोक्साइड, चाहे वो फर्स्ट ए का हाइड्रोक्साइड हो चाहे सेकंड ए का, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन का आकार छोटा होता है। तो इसका मतलब इनकी विलयता तो फर्स्ट ए में और सेकंड ए में दोनों में ही बढ़ती है। हाइड्रोक्साइड तो एक अपवाद है, इसका मतलब BaOH का होल ख्वाइस पानी में ज्यादा विलय होगा BaOH के होल ख्वाइस से, ये बहुत बार आया हुआ है, हाइड्रोक्साइड अपवाद था। चलो भाई, अब आपको बताया सीजियम कार्बोनेट पानी में सबसे, इसकी विलयता पानी में सबसे ज्यादा, तापीय स्थायित्व भी ज्यादा। धातु का नाइट्रेट है, लिथियम के अलावा और सेकंड ए के अलावा ये धातु नाइट्राइड देते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, कभी भी नाइट्रोजन गैस बाहर नहीं निकलती, कभी भी NO2 गैस बाहर नहीं निकलती। जब ऐसा तो लाल भूरे रंग की NO2 गैस, तो एक तो फर्स्ट ए में लिथियम और सेकंड ए के सारे नाइट्रेट गर्म करने पर धातु नाइट्रोजन का बंध टूट जाता है, लेकिन ऐसा लिथियम के अलावा फर्स्ट ए में ऐसा नहीं होता, NO2 बाहर नहीं निकलती है, क्योंकि धातु नाइट्रोजन के बीच बंध स्थायी होता है, ये टूटता नहीं है। पहले धातु नाइट्रेट था, अब धातु नाइट्राइड बन गया, ये बंध नहीं टूटेगा भैया। तो ये बात याद रखना कि ये जल में विलय भी होते हैं, नाइट्रेट जल में विलय होते हैं, ये बात नीट में भी पूछी गई है 2016 और 17 में, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। आपको पता है फर्स्ट ए में लिथियम और सेकंड ए के सारे धातुएं नाइट्रेट है, वो NO2 गैस देते हैं, लेकिन फर्स्ट ए के लिथियम के अलावा कोई भी NO2 गैस नहीं देता। देखो N2 के साथ क्रिया, आपको पता जो छोटे आकार के होंगे, जिनका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, जिनका आकर्षण ज्यादा होगा, वही नाइट्रोजन के साथ क्रिया करते हैं। तो फर्स्ट ए में एक तो लिथियम नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके Li3N बनाता है, और सेकंड ए में बेरिलियम और मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके नाइट्राइड बनाते हैं। इसके अलावा किसी की भी नाइट्रोजन के साथ क्रिया नहीं होती, ये याद रखने योग्य बात है। लिथियम केवल फर्स्ट ए में लिथियम नाइट्रोजन के साथ क्रिया करता है, और सेकंड ए में बेरिलियम और मैग्नीशियम। NaOH को कास्टिक सोडा बोला जाता है, इसका निर्माण विद्युत अपघटनी विधि से होता है, इसमें सांद्र NaCl का विद्युत अपघटन करवाया जाता है, इसमें एनोड क्लोरीन एनोड पर जाता है, सोडियम कैथोड पर जाता है। लेकिन इसी विद्युत अपघटनी विधि में कास्टनर केलनर अगर सेल काम में लिया जाए, तो यहाँ कैथोड मरकरी का बना होता है, और यह ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब है NaCl का ऐसा विलयन जिनमें पानी ज्यादा हो, ऐसा विलयन NaOH प्राप्त करने के लिए काम में लिया जाता है। दोनों ही विधियों से NaOH बनाया जाता है, यहां बस अंतर यह है, यहां कैथोड एनोड अलग का होता है, यहां ग्रेफाइट का होता है, जबकि यहां पर कैथोड होता है HG का। तो कास्टनर केलनर प्रक्रम में जो कैथोड है वो HG का बना होता है, यहां ब्राइन सॉल्यूशन काम में लिया जाता है, उससे फिर NaOH प्राप्त किया जाता है। थोड़ा कास्टनर केलनर को याद रखना NaOH बनाने के लिए। Na2SiO3 को सोडियम सिलिकेट कहते हैं, और ये सोडियम सिलिकेट, इसको जलीय कांच भी कहते हैं, ये कांच जैसा होता है, इसका मतलब इसको जलीय कांच भी कहते हैं, ये सोडियम सिलिकेट जिसको जलीय कांच बोला जाता है। ये MgCl2 भी पानी के साथ जलयोजित हो रहा है, CaCl2 भी पानी के साथ जलयोजित हो रहा है, और BaCl2 भी पानी के साथ जलयोजित हो रहा है, ये जलयोजित लवण बना रहे हैं, क्योंकि इनका आकार छोटा होता है। आपको पता है साल्ट होता है, नमक होता है, नमक में अशुद्धि मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड की होती है, और पानी में कठोरता वो भी कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड और कार्बोनेट के कारण ही होती है। अक्रिय युग्म प्रभाव का मतलब है, इन हर्ट इफेक्ट का मतलब है कि एक तो थर्ड ए में, ये बहुत इंपॉर्टेंट का पॉइंट है, एक फोर्थ ए में और एक फिफ्थ ए में, सबसे नीचे इसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3, इसकी +4 और इसकी +5। लेकिन आपको पता है इन तीनों वर्ग में सबसे नीचे वाले, सबसे बॉटम वाले धातु का सामान्य ऑक्सीकरण की तुलना में +2 ऑक्सीकरण क्या होता है, कम, क्योंकि वो S वाले इलेक्ट्रॉन, देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा H2P1, इसका होगा H2P2, इसका होगा H2P3। यहां होता क्या है कि
दौर एक तीन, दौर दो चार, तीन और दो पांच। लेकिन ये एस वाले इलेक्ट्रॉन नाभिक से इतने ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं कि ये बाहर नहीं निकल पाते, ये इन हट का मतलब ये अक्रिय हो जाते हैं। अब तब तीनों में एस वाले बाहर निकलेगी नहीं दोनों, तो जो ऑक्सीकरण अंक आएगा नीचे वालों का, जैसे बैंगन आलू गाजर इन थेला का, काशी गई शंकर प्रभु का, पीबी का, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिक्की देगी विस्मित का, तो टेलुरियम का प्लस तीन नहीं होता, प्लस एक ज्यादा स्थायी होता है। इस लेड का प्लस चार ज्यादा स्थायी नहीं होता, प्लस दो ज्यादा स्थायी होता है। इस बिस्मित का प्लस पांच नहीं, प्लस तीन ज्यादा स्थायी होता है। इस अक्रिय युग्म प्रभाव का मतलब है थर्डे फोर्थे और फिफ्थे में सबसे नीचे वाले बॉटम वाले धातुओं का ऑक्सीकरण अंक सामान्य ऑक्सीकरण अंक की तुलना में प्लस दो क्या होता है, कम। और ये कम होने का कारण है कि एस वाले दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाते, इसीलिए सामान्य ऑक्सीकरण अंक की तुलना में इनका ऑक्सीकरण अंक दो क्या होता है, कम स्थायी। पूछ लेता है टेलुरियम का कौन सा ऑक्सीकरण अंक ज्यादा स्थायी है, प्लस एक, इसका प्लस दो, इसका प्लस तीन। H3BO3 को एक दुर्बल एक क्षार की अमल, एक क्षार की लुईस अमल कहते हैं। आप ये मत सोच लेना इसको मैं अमल नाम दे रहा हूँ, लुईस अमल। आप क्या सोचोगे H3BO3 में तो तीन BOH है, इसमें तो OH है, OH का मतलब ये क्षार है। अरे रटन तो ये क्षार नहीं है, ये OH माइनस ग्रहण करता है, इसके पास रिक्त पी कक्षक है, और जो लोन पेयर ग्रहण करता है वो कहलाता है लुईस अमल। लुईस अमल क्षार अवधारणा आपने पढ़ी होगी, इसकी प्रवृत्ति कभी भी H प्लस और OH माइनस देने की नहीं होती, इसकी OH माइनस ग्रहण करने की होती है, इसीलिए ये बना लेता है क्या, इसको ऐसे लिख दो चाहिए BOH4, इसके ऊपर क्या लगा दो माइनस, ऐसे बना लेता है। तो ये लोन पेयर ग्रहण करता है, और आपको पता है ये एक OH माइनस ग्रहण कर रहा है, ये एक क्षार की इसलिए बोला गया है कि एक क्षार की तरह व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब ये याद रखना कि ये एक प्रकार का क्षार नहीं है, ये लुईस अमल है। आपको पता है K2HgI4 इसका क्षारीय विलयन कहलाता है, नेस्लर अभिकर्मक। ये आपको डी ब्लॉक में बार बार बताया गया कि इसको कहते हैं नेस्लर अभिकर्मक, ये होता है नेस्लर अभिकर्मक। बोरोन के ट्राई हेलाइडों की वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर लुईस अमल सामर्थ्य लगातार बढ़ती है। आपको पता है फ्लोरीन की विद्युतीयता ज्यादा होने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है कम, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति जितनी ज्यादा होगी लुईस अमल की सामर्थ्य उतनी ज्यादा होगी। यहाँ पाई बैग बॉन्डिंग के कारण इसकी लुईस अमल सामर्थ्य क्या हो जाती है, कम। तो याद रखना बोरोन के ट्राई हेलाइडों में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर लुईस अमल सामर्थ्य लगातार क्या होती जाती है, ज्यादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये डाइबोरेन है, डाइबोरेन का मतलब बोरोन के दो बोरोन हैं और इसकी संयोजकता के लिए छह हाइड्रोजन आ रहे हैं। लेकिन एक बात सिखाता हूँ आपको, मैं दोबारा बनाता हूँ, ये दो बोरोन हैं और एक बोरोन के पास तीन हाइड्रोजन है, ये लो। बोरोन के बाह्यतम कोश में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये लो, एक एच इधर जुड़ गया और एक एच मान लो इधर जुड़ गया। अब ये बोरोन बोरोन के बीच तो बंद है नहीं, बस तीन इलेक्ट्रॉन इसके थे, तीन इसके थे, काम आ गए। अब लेकिन बताऊं क्या होता है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कभी फिक्स नहीं होते, ये गतिशील होते हैं, ये कभी यहां रहते हैं और कभी यहां आ जाते हैं, ये दोनों कभी यहां रहते हैं और कभी यहां आ जाते हैं। इसका मतलब जब ये यहां है ना यहां, तब ये यहां नहीं है, ये वाले यहां नहीं है, जब ये यहां है तब यहां वाले यहां नहीं है। तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, दो और दो चार और दो छह, इसका मतलब इसका अष्टक अपूर्ण है। जब ये दोनों यहाँ है इसका मतलब ये दोनों यहाँ नहीं है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो, दो दो चार और दो छः, छः इलेक्ट्रॉन। ऐसे लगता है कि आठ है, दो दो चार दो छः दो आठ, नहीं, ये जब ये यहाँ रहते हैं तो यहाँ वाले यहाँ रहते हैं। और इस बंद को देखो, ऊपर भी एक केला जैसा बंद बन रहा है ये देखो, और नीचे भी एक केला जैसा बंद, इसे बनाना बॉन्ड कहते हैं, इसे केला बंद कहते हैं। इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है, ये एक प्रकार का B2S6 एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है, ये डाइबोरेन है, इसका अष्टक अपूर्ण है बोरोन के बाह्यतम, और इसका जो संकरण है ना वो ऐसे नहीं है, जब ये वाला बंद यहाँ है ना, ये वाला बंद यहाँ मान लिया तो यहाँ वाला बंद यहाँ नहीं है, इसका संकरण तीन सिग्मा SP2 है, और इधर भी संकरण कौन सा है, SP2 है। चलो भी K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट नारंगी रंग का होता है, इसको गर्म कर दो ये पोटेशियम क्रोमेट बना लेगा, ये पीले रंग का होता है। आपको पता है पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब आप गर्म करोगे केवल तो पोटेशियम क्रोमेट बना लेगा और Cr2O3 बाहर निकल जाएगा, इंपॉर्टेंट ये।
लेकिन सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करवाया तो थोड़ा आंशिक उदासीनीकरण होगा और CrO3 बाहर निकल गया। इंपॉर्टेंट है, ऊपर केवल गर्म किया था Cr2O3 बाहर निकल रहा था, सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया कराई CrSO3। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है भाई, गर्म सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराओगे तो क्रोमीमियम सल्फेट का निर्माण होगा, Cr2SO4 का होल थ्राइज बनेगा और यही पूछा जाता है ज्यादा बार, और हरे रंग का अवक्षेप बनेगा। ज्यादा बार एग्जाम में यही आया है कि एक हरे रंग का अवक्षेप बनता है, क्रोमीमियम सल्फेट बनता है। ये बनता कब है? जब गर्म सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तब बनता है क्रोमीमियम सल्फेट, ये हरे रंग का अवक्षेप है। आगे देखो, देखिए, हाँ, पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्षारीय माध्यम में डालती, आपको पता है पोटेशियम डाइक्रोमेट केवल अम्लीय माध्यम में ही प्रबल ऑक्सीकारक होता है, जबकि KMnO4 तो तीनों माध्यम में प्रबल ऑक्सीकारक होता है, चाहे उदासीन हो, चाहे अम्लीय हो, चाहे क्षारीय हो। इसका मतलब है पोटेशियम डाइक्रोमेट क्षारीय माध्यम में डालते ही बना लेगा पोटेशियम क्रोमेट। स्टेनलेस स्टील अभी आया था आयरन, क्रोमियम और निकल के बारे में, और इसमें अधातु के तौर पर कार्बन होता है, याद रखना। स्टेनलेस स्टील में अधातु की धातुएं, ज्यादातर धातुएं तो होती है स्टील में, लेकिन कार्बन अधातु के तौर पर होता है। इनवार, इसमें भी इनवार में भी आयरन, मैग्नीज और कार्बन होता है, चाहे स्टील हो चाहे इनवार हो, आयरन इंपॉर्टेंट है दोनों में। चलो भाई अगला, इसे क्रोमिल क्लोराइड बोलते हैं, और क्रोमिल क्लोराइड में ऑक्सीकरण ऐसे ज्ञात करते हैं, दो ऑक्सीजन है जोड़ दो, ये लो, इसके कारण -2, इसके कारण +2, ऑक्सीजन के कारण -2, यहाँ +2, यहाँ -1, यहाँ +1, यहाँ -1, यहाँ +1, तो कितना आ गया +6। टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड और ट्राई एथिल एल्यूमिनियम, इन दोनों को मिलाकर एक उत्प्रेरक बोलते हैं जो पॉलीथीन बनाने में काम आता है, इसको जिगलर नट्टा उत्प्रेरक बोलते हैं, जिगलर नट्टा उत्प्रेरक बोलते हैं। यह एल्किनों के बहुलीकरण में काम आता है, पॉलीथीन बनवाता है। PDBSO4 को रोजेन मुंड उत्प्रेरक कहते हैं, जो रोजेन मुंड अभिक्रिया में काम आता है, ये अपचेन करवाता है, हाइड्रोजन जोड़ता है। एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनवाता है। अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर N2 गैस बाहर निकल जाती है, Cr2O समन बनता है, N2 गैस बाहर निकलती है। NiCO4 में निकिल, CO एक उदासीन लिगेंड है, इसका ऑक्सीकरण अंग एक उदासीन का 0 होता है, टोटल यो कोई ऑक्सीकरण अंग भी नहीं है, 0 है, तो यहाँ निकिल अपनी ऑक्सीकरण अंग 0 में है, तो निकिल का जो ऑक्सीकरण अंग होगा वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो 3D8 4S2 है, कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब यहाँ D में 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, देखना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और S में 2 भरे हुए हैं। ये प्रबल लिगेंड है, CO एक प्रकार का प्रबल लिगेंड होता है, ये इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवा देता है, ये जोड़ा बनवा देता है, इसका मतलब ये सारे के सारे खाली मिल जाएंगे, जोड़ा बनवा देगा, तो एक S बनेगा और 3P आगे खाली पड़े हैं, तो संकरण sp3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ CN में देखो, यहाँ 3D8 4S 0 बचेगा, क्योंकि +2 ऑक्सीकरण अंक आएगा और यहाँ कुछ है ही नहीं। अब ये भी प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड होगा तो एक वाला यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो ये खाली बच जाएगा, तो इसका संकरण DSP2 आएगा। लेकिन ये दुर्बल लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड में कभी भी युग्मन नहीं होता, यहाँ पर निकिल +2 में है, हमेशा क्लोराइड एक दुर्बल लिगेंड होता है, डी में 8 भरे पड़े हैं, 8 के 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, लेकिन आज इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा, ये अयुग्मित है, लेकिन यहाँ युग्मन नहीं होगा, ये जोड़ा नहीं बना पाएगा, तो आने वाले लिगेंड चारों के चारों यहाँ जुड़ेंगे CL, तो एक S भाग ले रहा है, 3P भाग ले रहे हैं, तो संकरण हो गया sp3। यहाँ पर +2 आया था, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ प्रबल लिगेंड था CN, प्रबल लिगेंड होते हैं CO CN, एक नाइट्रोजन इथाइलिन डाइएमिन, ये होते हैं। यहाँ पर भी दोनों इलेक्ट्रॉन जोड़ा बना लिए, खाली हो गया, तो एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, दो यहाँ आ गए, तो DSP2 संकरण आ गया, पहले वाले में sp3 संकरण आया, यहाँ भी sp3 संकरण आया, याद रखना भाई। देखो देखिए क्या कह रहा है, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड यूरिया जिसमें एमाइड बंद है ना, एमाइड बंद है, तीनों के तीनों में एमाइड बंद है, और जिसमें एमाइड बंद पाया जाता है, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे पॉलीपेप्टाइड हो, चाहे यूरिया हो, उसका परीक्षण होता है बायूरेट परीक्षण। कौन सा परीक्षण रहे? बायूरेट परीक्षण होता है। हरित ग्रह प्रभाव के लिए सूर्य के प्रकाश से आने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों में अवरक्त किरणें होती है, और यही अवरक्त किरणों के कारण जब वापस आकर गिरती है CO2 के आवरण के कारण, तो पृथ्वी का ताप बढ़ता है, तो उष्मीय विकिरणें भी इन्हीं कहते हैं, अवरक्त किरणें ही उष्मीय विकिरणें कहलाती है, यही ताप बढ़ाती है, इन्हें ही उष्मीय विकिरणें बोलते हैं।
जबकि प्राबैंगनी विकिरणें तो कैंसर पैदा करती है, वो तो ओजोन का डिलोकलाइजेशन अपघटन करती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। रात्रि में ध्वनि की प्रबलता 45 डेसिबल तक होनी चाहिए। मेथिल सेलिसलेट, इसे कहते हैं विंटर ग्रीन का तेल या आयोडोफोरम कहते हैं, यह है मेथिल सेलिसलेट, न कि वो है एस्पिरिन, अलग है। NO3 माइनस की सांद्रता पीने के पानी में 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा, इसे बोलते हैं मेथेमोग्लोमेनिया। आपको बायोलॉजी में बताया होगा मेथेमोग्लोमेनिया, इसको बोलते हैं मेथेमोहीमोग्लोबेनिया। ये नाइट्रेट आयनों की सांद्रता के कारण होता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो हर प्रकार के, चाहे ग्राम पॉजिटिव हो चाहे ग्राम नेगेटिव हो, हर प्रकार के जीवाणु की वृद्धि को रोकती है, उसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। ये टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरोफेनिकोल है और क्लोरोमाइसिन है, ये याद रख लेना। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब है ये हर प्रकार के जीवाणु की वृद्धि को रोकती है। पेनिसिलिन एक नेरो स्पेक्ट्रम है और उसमें भी पेनिसिलिन जी तो नेरो स्पेक्ट्रम है, पेनिसिलिन नाम आते हैं वो नेरो स्पेक्ट्रम है, वो बहुत या तो पॉजिटिव पर काम करेगा या नेगेटिव पर, बहुत कम सीमित परास पर काम करता है। पैरासिटामोल है, पैरासिटामोल अपने दर्द को भी कम करता है और बुखार को भी कम करता है, ये याद रखना। पैरासिटामोल जबर रोधी भी है, शरीर के ताप को भी कम करता है और दर्द को भी कम करता है। एमोक्सिलिन याद करो, इसी को पेनिसिलिन से ही बनाया गया है, ये पेनिसिलिन का ही असंश्लेषित रूप है, कौन, एमोक्सिलिन। एसिटिल सेलिसिलिक को आपको पता है, इसे एसिटोक्सी बेंजोइक अम्ल भी कहते हैं, ये एक बार में दोबारा बना देता हूँ, ये बार बार आ रहा है, एसिटिल सेलिसिलिक अम्ल। और आपको पता है एसिटिल सेलिसिलिक अम्ल में ऑक्सीजन से मैंने ये सी डबल बॉन्ड और CH3 जोड़ दिया था, एक बार दोबारा एसिटिल सेलिसिलिक अम्ल बोल दो, चाहे इसको आप एस्पिरिन बोल दो, ये अम्ल है या OH था, OH से सी डबल बॉन्ड और CH3 जुड़ गया, इसे चाहे इस समूह को एसिटिल बोल के इसको सेलिसिलिक अम्ल बोल दो, तो इसका नाम है एसिटिल सेलिसिलिक अम्ल, या इसी को बोल दो एसिटोक्सी, और इस बेंजीन के ऊपर CWH को बोलते हैं बेंजोइक अम्ल, इसे बोलते हैं एस्पिरिन। ये दर्द निवारक भी है और पीड़ा को भी क्या करती है, कम। प्रोटीन के परीक्षण आज आया था, बायोरेट परीक्षण तो होता ही है, मिलन परीक्षण भी होता है और मोलिस परीक्षण भी होता है, ये याद रखना भाई, बायोरेट, मिलन और मोलिस, ये तीनों के तीनों प्रोटीन के परीक्षण है, बायोरेट, मिलन और मोलिस। एमाइड को आप NaOH Br2 के साथ अभिक्रिया करवा दिया, सी डबल बॉन्ड और समूह गायब हो जाएगा, ये एमाइड है, और एमाइड की अभिक्रिया जब क्षार और Br2 के साथ कराते हैं, इस अभिक्रिया को एक नाम देते हैं हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, इसको एक नाम देते हैं, याद करना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण, क्योंकि यहाँ एक कार्बन की संख्या क्या हो जाती है, कम, तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। यहाँ से CO समूह गायब हो जाता है और CO समूह गायब होने से एमीन बन जाती है, एमीन, येल्लो, ये एमीन बन गई, और कौन सी एमीन बन गई रे, 1 डिग्री एमीन बन गई, येल्लो, ये बन गई 1 डिग्री एमीन। तो आज एमाइड था, येल्लो, ये एमाइड था, एमाइड से क्या बन गया, 1 डिग्री एमीन बन गया और एक CO समूह गायब हो गया। बस ये याद रखना एमाइड की अभिक्रिया NaOH और Br2 के साथ कराई जाती है, बनने वाली एमीन 1 डिग्री होती है, कार्बन की संख्या क्या हो जाती है, कम, ये याद रखना, सामने एमाइड दे रखा हो तो ऐसा होता है। एनिलीन का शोधन किया जाता है भाप आसवन विधि से, कई बार मैंने टेस्ट में दे दिया आपको कि यहाँ भाप में एक अशुद्धि वाष्पशील होती है, कोई भी अशुद्धि या अपनी एनिलीन, एक तो भाप में वाष्पशील होती है, एक पानी में, ये दे रखा है, बेंजीन के ऊपर जोड़ दिया नाइट्रो और इसको नाम दे दिया नाइट्रोबेंजीन। आपको पता है नाइट्रोबेंजीन SN HCl, कोई धातु और HCl ले लिया, Fe और HCl ले लिया, इनका काम है अपचेन करना, H देना, ये दोनों ही लिखे हुए आएंगे, या तो SN HCl या Fe HCl, आप सोच लेना ये अपचायक है, ये करेंगे अपचेन, अपचेन का मतलब है ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ये दोनों H देने के लिए आए हैं, H आ जाएगा ऑक्सीजन हट जाएगा, नाइट्रोजन पर H आते ही बेंजीन पर NH2 जुड़ते ही इसका नाम क्या पड़ गया, एनिलीन। तो जब नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया SN HCl या Fe HCl के साथ कराई जाती है, अपचेन होता है और अपचेन से बनती है एनिलीन।
आपको पता है बेंजीन का ऐसा व्युत्पन्न है एलिनिन जो फ्रिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता था, जबकि टोलुइन, फिनोल, एनिसोल, फेनिसोल सब प्रदर्शित करते थे, लेकिन ये फ्रिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता। नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया NH4Cl और जिंक के साथ करवा दी जाए तो आपको पता है, एक आपको पता है इनका काम क्या है, इसका काम होगा एच देना, लेकिन एक ऑक्सीजन ही बाहर निकल पाएगी और एक ऑक्सीजन यही रह जाएगी, इसलिए NHOH बन गया। इसका मतलब ये एक प्रकार का हाइड्रोक्सिल एमीन है। ये याद रखना, जब NH4Cl और ZN काम में ले लिया जाता है तो दोनों ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलती है, ऑक्सीजन एक ही बाहर निकलती है और NHOH आ जाता है। दो हाइड्रोजन तो आएंगे लेकिन ऑक्सीजन एक ही बाहर निकलेगी, ये याद कर लेना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना ये SNHCl और FeHCl आए तो ये बनेगा और NH4ClZN आए तो ये बनेगा। चलो भाई ये देखो, 1 डिग्री एमीन दे रखी है और 1 डिग्री एमीन में आपको पता है NaNO2 और HCl के साथ अभिक्रिया 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये बन गया एजोनियम लवण। इसका करवा दिया जलापकटन, N2 गैस बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा और एल्कोहल बन जाएगा। अगर यही एरोमेटिक होता तो फिनोल बनता, अरे ये तो एलिफेटिक है, यही एरोमेटिक होता तो क्या बनता, यहाँ फिनोल बनता। आपको पता है जहाँ अम्ल का आयनन स्थिरांक ज़्यादा होता है वहाँ अम्लीयता ज़्यादा होती है, लेकिन जहाँ Ka ज़्यादा होता है वहाँ pKa क्या होता है, कम। Ka और pKa एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना, जहाँ Ka ज़्यादा वहाँ pKa कम, और जहाँ Kb ज़्यादा वहाँ क्षारीयता ज़्यादा, लेकिन जहाँ pKb क्या होता है, कम। अम्लीयता क्षारीयता देखने के लिए आप Ka और Kb देखो, Ka ज़्यादा अम्लीयता ज़्यादा, Kb ज़्यादा क्षारीयता ज़्यादा, pKa ज़्यादा अम्लीयता कम, pKb ज़्यादा क्षारीयता कम। pKa और pKb के मानों के बढ़ने के कारण तो क्षारीयता अम्लीयता क्या होगी, कम। आपको पता है सबसे आगे आता है फार्मिक अम्ल, फिर आता है बेंजोइक अम्ल, फिर आते हैं अन्य अम्ल। फार्मिक अम्ल बेंजोइक अम्ल से आगे आता है अम्लीयता में, याद करो इस बेंजीन का तो प्लस एम प्रभाव इसकी अम्लीयता को क्या करता था, कम। अम्लों में सबसे आगे आता है फार्मिक अम्ल, फिर बेंजोइक अम्ल, फिर एसिटिक अम्ल आता है। आगे देखो, साबुन उच्च वसा अम्लों के लवण होते हैं, कैसे बताऊं, उच्च वसा अम्लों का मतलब है ये अम्ल है और जब इसमें कार्बन की श्रृंखला बहुत ज्यादा हो, कार्बन की संख्या इसमें बहुत ज्यादा हो तो उसको बोलते हैं वसा अम्ल, और इस वसा अम्ल की क्रिया क्षार के साथ करवा दी जाती है, और अम्ल की क्रिया क्षार के साथ होगी तो उसे क्या बोलते हैं, लवण। इसलिए देखो ऐसे बोल दिया, ये साबुन है, जब वसा अम्ल होता है उसकी क्रिया क्षार के साथ हो जाती है, वो लवण बन जाता है, ये साबुन है। इसका मतलब साबुन क्या है, उच्च वसा अम्लों के लवण है। देखना, अगर आप फार्मिक अम्ल की अभिक्रिया टोलेन अभिकर्मक और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ करवाते हो तो अभिक्रिया होगी। अब आप सोचोगे तो एल्डिहाइड के परीक्षण है, ये तो अम्ल की है ही नहीं। अरे भाई फार्मिक अम्ल एक ऐसा अम्ल होता है जिसमें एल्डिहाइड समूह भी होता है। देख अम्ल तो इधर ही है, इधर तो एल्डिहाइड है ना। अरे आपकी बात सही है कि फॉर्मेल्डिहाइड जैसे अपने टोलेन अभिकर्मक है, बेनेडिक्ट विलियन है, फेलिंग विलियन है, ये सब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं, कीटोन का नहीं करते। लेकिन मैं अम्ल लिया हूँ और अम्ल में फार्मिक अम्ल लिया हूँ और फार्मिक अम्ल में एक तरफ अम्ल है एक तरफ एल्डिहाइड है, देखो इस समूह को एल्डिहाइड कहते हैं, इसलिए इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीजन आ जाती है, CO2 और H2O बन जाता है, तो ये दोनों के दोनों इसका ऑक्सीकरण करते हैं। लेकिन सुनो, यही अगर मैं एसिटी एल्डिहाइड ले लूं, अगर एसीटोन ले लूं तो यहां ऑक्सीकरण नहीं होगा, यहां मैं एसिटिक अम्ल ले लूं तो क्या ऑक्सीकरण होगा, क्या नहीं होगा ना। ये तो इसीलिए एसिटिक अम्ल और फार्मिक अम्ल में अंतर करने के लिए इनको काम में लिया जा सकता है। जिविटर आयन का मतलब है कोई भी अगर एमिनो अम्ल होता है उसमें एक NH2 समूह होता है, एक अम्ल होता है, एक OH होता है या एक H मान लो, और एक R होता है। अम्ल का H प्लस बाहर निकल जाता है, क्षार H प्लस को ग्रहण कर लेता है, यहाँ प्लस लग जाता है या माइनस लग जाता है। अम्ल और क्षार के H प्लस ग्रहण करने और त्यागने से जो आयन बनता है इसे जिविटर आयन कहते हैं, जिविटर आयन। अगला देखो, सिरका होता है, सिरके में 6 से 10% जलीय एसिटिक अम्ल होता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, कितना, 6 से 10%। अगला कह रहा है अम्ल है, अम्ल की अभिक्रिया N3H, N3H NH3 नहीं है, N3H है, और N3H को बोलते हैं हाइड्रेजोइक, हाइड्रेजोइक अम्ल है ये, N3H है। N2 गैस बाहर निकल जाएगी, देखना N2 गैस बाहर निकल गया, एक N एक H जुड़ गया, ये H2O बाहर निकल गया, देखना क्या बना, एक तो CO CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा
ओएच बाहर निकल गया, बस दो एक एनएच एक एन और दो एच आ गए, एमीन बन गई एमीन, CO2 और N2 बाहर निकल गया। ये अम्ल से एक प्रकार की एमीन बनाने की विधि है और इस अभिक्रिया को कहते हैं सीमित अभिक्रिया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज दो रिएक्शन आई है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हापमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, एक सीमित अभिक्रिया। सीमित अभिक्रिया अमल से एमीन बनाने की विधि है, एमीन कॉपी में ऊपरी ऊपर लिख लेना, एग्जाम पहले बार बार याद करना, सीमित अभिक्रिया ऑप्शन में बार बार आती है। सीमित अभिक्रिया क्या है? अमल से एमीन बनाने की विधि है। आगे आता है कोलबी विद्युत अपघटन, CO2 बाहर निकल जाएंगे, अब स्टार्टिंग में दो अणु लेने पड़ेंगे, अमल का लवण लेना पड़ेगा, दोनों CH3 आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा? एथेन। अमल का क्या लेना पड़ता है? लवण। अगला देखो, बेंजोइक अम्ल है, इसका सल्फोनीकरण करवाया जा रहा है। आपको पता है सल्फोनीकरण में आने वाला SO3H कहाँ जाएगा? आने वाला समूह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, और आपको पता है अमल का होता है -M, और -M वाले होते हैं मेटा निर्देशी, +M वाले होते हैं ऑर्थोपेरा निर्देशी, और -M वाले होते हैं मेटा निर्देशी। तो आने वाला SO3H सल्फोनिक अम्ल कहाँ आया? मेटा स्थिति पर। आप फार्मिक अम्ल ले रहे हो और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ अभिक्रिया करवा रहे हो, CO2H2 बाहर निकल गया था, अभी आया था, लेकिन एसिटिक अम्ल इसके साथ क्रिया नहीं करेगा, इसमें एल्डिहाइड है ही नहीं, इसमें एक एल्डिहाइड समूह है, तो एल्डिहाइड का तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में अंतर करने के लिए फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, टोलिन अभिकर्मक को काम में लिया जा सकता है, क्योंकि फार्मिक अम्ल भी इनके साथ अभिक्रिया करता है, क्योंकि फार्मिक अम्ल में भी एल्डिहाइड समूह होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि फार्मिक अम्ल में भी एल्डिहाइड समूह है, इसलिए इसका भी ऑक्सीकरण होता है, लेकिन एसिटिक अम्ल में कोई एल्डिहाइड समूह है ही नहीं, तो इसका ऑक्सीकरण नहीं होता। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कि फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में किसको अंतर करने के लिए काम में ले सकते हैं। देखो, फार्मिक अम्ल है, इसकी अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करवाएंगी, अम्ल के साथ क्षार क्रिया करेगा और H+ निकल जाएगा, Na आ गया और H2 और CO2 बाहर निकल गया, लेकिन फार्म एल्डिहाइड के साथ इसकी अभिक्रिया, अरे ये फार्म एल्डिहाइड के साथ तो अभिक्रिया वो करते, टोलिन अभिकर्मक, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन, केनी जारो वो होता, लेकिन Na सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया फार्म एल्डिहाइड के साथ नहीं होगी, इसीलिए फार्मिक अम्ल और फार्म एल्डिहाइड में अंतर करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट को काम में लिया जाता है। वो कहानी अलग थी, वो फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल की थी। फार्मिक अम्ल में एल्डिहाइड समूह होता है, फार्मिक अम्ल में तो होता है लेकिन एसिटिक अम्ल में नहीं होता। ये अंतर हो रहा है फार्मिक अम्ल और फार्म एल्डिहाइड में। फार्मिक अम्ल में एल्डिहाइड समूह है, इसमें भी एल्डिहाइड समूह है, दोनों टेलोन अभिकर्मक के साथ क्रिया करेंगे, लेकिन मैं अभिक्रिया करवा रहा हूँ सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। सोडियम बाइकार्बोनेट क्षार है, वो अम्ल के साथ तो क्रिया करेगा लेकिन एल्डिहाइड के साथ क्रिया नहीं करेगा, इसलिए फार्म एल्डिहाइड और फार्मिक अम्ल में अंतर करना हो तो सोडियम बाइकार्बोनेट काम में लिया जाता है। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KCN के साथ करा रहे, KX निकल जाएगा और RCN आ जाएगा, और आपको पता है एल्किल साइनाइड के जल अपघटन से, ये लो पानी का अणु दो बार आएगा, एमीन बाहर निकल जाएगा, दो OH स्थायी होंगे और अमल बन जाएगा। साइनाइड के जल अपघटन से अमल बनता है, ये लो साइनाइड के जल अपघटन से अमल बन रहा है, याद रखना ये साइनाइड के जल अपघटन से अमल बनता है। फिर देखो अमल का, वही आपको पता है ये हेल होलार्ड जेलेंसी अभिक्रिया है, और ये हेल होलार्ड जेलेंसी की अभिक्रिया आपको पता है ये कहाँ होती है? ये अमल के पास वाले अल्फा कार्बन पर होती है, अमल पे नहीं होती, अमल के पास वाले से एच निकल जाता है और Cl आ जाता है। जैसे ही एल्कोली के OH के साथ करवाएंगे, इसका Cl और इसका एच बाहर निकल जाएगा, विलोपन हो जाएगा, और विलोपन होगा तो क्या उत्पाद बनेगा? ये उत्पाद बनेगा, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्या उत्पाद बनेगा? एक बार दोबारा, ये अभिक्रिया पिछली बार जेट में आई है, ये हेल होलार्ड जेलेंसी अभिक्रिया, ये अमल की अभिक्रिया, ये हेलोजनीकरण हो रहा है, ताप की उपस्थिति में गर्म किया जा रहा है, अभिक्रिया एल्केन पे होगी, अमल पे नहीं होगी, अमल के पास वाले अल्फा कार्बन पे होगी। फिर एल्कोली KOH का काम है विलोपन करवाना, दो सिग्मा को तोड़ना, एक पाईबंद बनाना, यहाँ Cl आते यहाँ से एच बाहर निकल जाएगा, दो सिग्मा टूट जाएंगे, बीच में पाई आ जाएगा। ये अमल है, अमल की अभिक्रिया I2 और रेड फास्फोरस, वो की वही बात है, वही हेल होलार्ड जेलेंसी अभिक्रिया है, पास वाले अल्फा कार्बन पे होगी और अल्फा कार्बन पे आई आ जाएगा और ये अमल बन जाएगा, बस ये अल्फा स्थिति पर हेलोजन आ जाता है। अमल है, अमल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ, वहां था हाइड्रोजोइक एसिड, ये है अमोनिया, बस H इसका OH H2 बाहर निकल जाएगा, NH2 आ जाएगा,
एमाइड बन जाएगा एमाइड। अरे वो हाइड्रोजोइक एसिड था, सीमित अभिक्रिया में एन थ्री एच था, एन थ्री था वहां, यहाँ तो एन एच थ्री है, ये तो अमोनिया है, बस इसका एच इसका ओ एच, यहाँ से एन एच टू आ जाएगा, क्या बन गया एमाइड। पी टू ओ फाइव हुआ, एल टू ओ थ्री हुआ, इनका काम है एच टू ओ को बाहर निकालना, ये होते हैं निर्जली कारक, इनका काम होता है सीओ टू को एच टू ओ को बाहर निकालना। इसका इसका तो एच टू और इसका ओ, ये बाहर निकल जाएगा, बताओ क्या बना, दो सिग्मा बंद एक साथ टूट रहे हैं, ये देखो क्या बना, यहाँ से एच टू और यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल गया, सी एच थ्री सी एन बन गया, ये लो साइनाइड बन गया। दोबारा देखो उसका जस्ट उल्टा है, इसका जस्ट उल्टा है, देखो इसका जस्ट उल्टा है, यहाँ साइनाइड का क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन करवा रहे थे, अमल बन रहा था, आज इसका उल्टा है, आज क्या किया जा रहा है, आज पानी को वापस बाहर निकाला जा रहा है, अमल पहले अमल था फिर एमाइड बना लिया, एमाइड से पी टू ओ फाइव के साथ अभिक्रिया करवाई, इसका एच टू इसका ऑक्सीजन बाहर निकल गया, क्या बन गया साइनाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखो, अमल की अभिक्रिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवाएंगे, ये एक प्रकार का अपचायक है, अपचायक का काम होता है अपचेन करना, एल्कोहल को अमल को एल्कोहल में बदलना। ऐसे ही सीओ बेंजीन की अभिक्रिया, सीओ सीओ का मतलब होता है कोच, कोच ये निर्जल जेडन सी एल टू, सी यू सी एल टू के साथ अभिक्रिया करवाते थे, कोच में बेंजीन जो सी एच ओ जुड़ता था, बेंज एल्डिहाइड बनता था, एक कार्बन के एल्डिहाइड को फार्म एल्डिहाइड कहते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को बोलते थे फार्मेलीकरण। तो ये अभिक्रिया है गाटरमान कोच फार्मेलीकरण, गाटरमान तो है लेकिन इसमें को आ रहा है, सीओ आ रहा है इसलिए कोच आ गया, हालांकि गाटरमान हो चाहे गाटरमान कोच हो बनेगा एल्डिहाइड ही, कौन सा बेंज एल्डिहाइड, लेकिन यह सीओ काम में लिया इसलिए इस अभिक्रिया का नाम है गाटरमान कोच, कोच का मतलब होता सीओ। ऐसे ही अगर आपने चाहे बेंजीन ले लो चाहे टोलुइन ले लो, अगर सीओ काम में लिया नहीं है और आपने लुईस अमल काम में लिया है, जैसे जेड एन सी एन का होल क्वाइज एस सी एल एच टू ओ की उपस्थिति में गर्म किया है, होगा तो फार्मेलीकरण ही लेकिन नाम होगा केवल गाटरमान कोच अभिक्रिया, केवल गाटरमान होगा कोच नहीं होगा। एसिड हेलाइड की अभिक्रिया एच टू पी डी बी एस ओ फोर बी एस सी ओ थ्री के साथ करवाएंगे, सी एल बाहर निकल जाएगा, एच आ जाएगा, अपचेन हो जाएगा, इस अभिक्रिया को नाम देंगे रोजेन मुंड। अरे रोजेन मुंड अपचेन हो रहा है तो अभिक्रिया का नाम पड़ गया रोजेन मुंड अपचेन, अभिक्रिया का नाम है रोजेन मुंड, बस सी एल बाहर जा रहा है एच आ रहा है, रोजेन मुंड उत्प्रेरक काम में ले रहे हैं तो नाम पड़ गया रोजेन मुंड उत्प्रेरक और अभिक्रिया का नाम पड़ गया रोजेन मुंड अपचेन अभिक्रिया। ऐसे ही ये तो था एलिफेटिक हेलाइड, ये है एरोमेटिक, आपको पता ये तो है एलिफेटिक हेलाइड, ये है एरोमेटिक, ये एलिफेटिक एल्डिहाइड बना था ये एरोमेटिक बन जाएगा, एआर का मतलब होता एरिल, एरिल का मतलब होता बेंजीन, फेनिल फेनिल, बस वही रोजेन मुंड उत्प्रेरक काम में लिया है, बस यहां एलिफेटिक से एलिफेटिक बना है, यहां एरोमेटिक से एरोमेटिक बना है, इसका नाम है बेंज एल्डिहाइड। तो रोजेन मुंड अपचेन अभिक्रिया से एलिफेटिक एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और एरोमेटिक भी बना सकते हैं। अगला देखो, आपको पता है साइनाइड है, एल्किल साइनाइड है, एस एन सी एल टू एस सी एल ले रहे हैं, इसका मतलब ये स्टीफन अभिक्रिया है और स्टीफन अभिक्रिया में साइनाइड से एल्डिहाइड बनता है, और ये आपको पता है, ये देखो ये एल्डिहाइड बनता है, इस अभिक्रिया का नाम है, ये एल्डिहाइड बनाने की विधि है, इस अभिक्रिया का नाम है स्टीफन। आपको पता है ये फिनोल है, फिनोल की अम्लीयता का क्रम देखना है, खींचने वाले अम्लीयता बढ़ाते हैं, देने वाले अम्लीयता घटाते हैं, यहाँ देने वाला प्लस एच मान लो या प्लस आई मान लो, यहाँ मेटा स्थिति पर माइनस आई लगता है और यहाँ औरतों और पेरा पर तो माइनस एम लगता है, सबसे ज्यादा अम्लीय डी होगा, डी के बाद खींचने वाला सी होगा, सी के पास ए होगा और ए के बाद बी होगा, ये इस करेक्ट आंसर है अम्लीयता का, खींचने वाले बढ़ाते हैं देने वाले घटाते हैं। ऐसे देख लो बेंजीन और बेंजीन के व्युत्पन्न बोले तो ये देखो बेंजीन है टोलुइन है, इसे अगर फिनोल के पास H की जगह एक सी एस थ्री जुड़ जाए, ये ईथर है, ये एरोमेटिक ईथर है और इसका नाम है एनिसोल, इसे बोलते हैं एनिसोल, और अगर दो कार्बन का एल्किल समूह जोड़ दिया इसे बोलते हैं फेनिटोल, ये एरोमेटिक ईथर है, जब ईथर पढ़ाया था तो एक तो एलिफेटिक पढ़ाया था और एक एरोमेटिक, अगर एक सी एस थ्री समूह जुड़ा हो तो एनिसोल, अगर एथिल समूह जुड़ा हो तो फेनिटोल, और बेंजीन और बेंजीन की व्युत्पन्नों की अभिक्रिया होती है फिरडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। अगला पिकरी कमल सबसे ज्यादा अम्लीय होता है, फिर दो अगर NO2 है तो वो ज्यादा अम्लीय है, लेकिन आपको पता है पेरा नाइट्रोफिनोल ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की तुलना में ज्यादा अम्लीय होता है,
होना तो चाहिए ऑर्थो वाला, लेकिन ऑर्थो में कौन सा हाइड्रोजन बंद, अंत आणविक हाइड्रोजन बंद आ जाता है, इसलिए आसानी से एच बाहर नहीं निकल पाता। आना तो ऑर्थो ही चाहिए आगे, लेकिन ऑर्थो का हाइड्रोजन आसानी से बाहर नहीं निकलता, इसीलिए पेरा आगे आ जाता है। एथिल एल्कोहल में 5 से कितना परसेंट मिला दिया, 10% अगर मेथिल एल्कोहल होता है, ये मेथिल एल्कोहल मेथिलीकृत एल्कोहल कहलाता है। अगर ये पीने योग्य नहीं है, इसको पीने योग्य नहीं बनाना, अगर इसको पीने योग्य नहीं है और पीने योग्य बनाना है तो इस मात्रा को हटाना पड़ेगा, इसका विकृतीकरण करना पड़ेगा। ये जेट 2019 में आया था। कॉपर सल्फेट और पिरिडीन, ये दोनों के दोनों मिलाए जाते हैं एल्कोहल को पीने अयोग्य बनाने के लिए। इसमें बाहर से कौन कौन से रसायन मिलाते हैं, कॉपर सल्फेट और पिरिडीन मिलाते हैं। सोडियम एल्कोक्साइड है, एल्किल हैलाइड है, विलियमसन ईथर संश्लेषण है, Na बाहर निकल जाएगा और SN2 अभिक्रिया की पालना होगी। एल्किल हैलाइड पर त्रिविम बाधा क्या होनी चाहिए, कम से कम क्या बन जाएगा, ईथर। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया Ag के ऑक्साइड के साथ करवाते हैं, इसके अणु स्टार्टिंग में क्या लेना पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे। AgX बाहर निकल जाएगा, बीच में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ईथर बन जाएगा। याद रखना ये ईथर बनाने की विधि है, ऐसे बोल देगा एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर ऑक्साइड के साथ करवाए, याद रखना ये ईथर बनाने की विधि है। आपको पता है फिनोल है वो APCl3 के साथ बैंगनी रंग का परीक्षण देता है, लेकिन एथेनॉल ये परीक्षण कभी नहीं देता। तो फिनोल और एथेनॉल में इन दोनों को अंतर करने के लिए काम में लिया जा सकता है कि फिनोल तो APCl3 के साथ बैंगनी रंग का संकुल बनाता था, ये फिनोल का टेस्ट है, परीक्षण है, लेकिन ये परीक्षण एथेनॉल कभी नहीं देता। लेकिन सुनो, फिनोल कभी भी आइडोफोरम परीक्षण नहीं देता, लेकिन याद करो एथेनॉल देता है। अरे आइडोफोरम परीक्षण या तो देता है 2-alkenol या देता है 2-alkenon, यही तो देते हैं। या तो दूसरी पोजीशन पर OH होना चाहिए या ऑन होना चाहिए, यही तो देते हैं। एथेनॉल में दूसरी पोजीशन पर OH है तो यह आइडोफोरम परीक्षण देगा, लेकिन फिनोल नहीं देगा। इसका मतलब आइडोफोरम परीक्षण को फिनोल और एथेनॉल में अंतर करने के लिए काम में लिया जा सकता है, और APCl3 के साथ अभिक्रिया को भी फिनोल और एथेनॉल में अंतर करने के लिए काम में लिया जा सकता है। चलो भाई, PCC का मतलब होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये दुर्बल ऑक्सीकारक है जो 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलता है, 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में बदलता है। जोन्स अभिकर्मक भी सेम पीसीसी की जैसे ही है, 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में। लेकिन MnO2 एक ऐसा ऑक्सीकारक होता है जो एलिल स्थिति पर काम करता है। एलिल का मतलब होता है डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पे। इसका मतलब है ये अपचेन करेगा तो इस पाई बंध पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एल्कोहल एल्डिहाइड में बदल जाएगा, ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH, पाई बंध पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे ही पाई बंध पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और एल्डिहाइड बन जाएगा येलो। ये भी एक प्रकार का ऑक्सीकारक होता है, लेकिन इसके ऑक्सीकरण से पाईबंद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सांद्र HNO3 और क्लोरोफोरम के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, यहां से NO2 आ जाएगा और यहां से H बाहर निकल जाएगा, ये बन गया CCl3.NO2। इसको बोलते हैं क्लोरोप्रीन, क्या बोलते हैं, क्लोरोप्रीन। चलो भाई, इस क्लास में हमने महत्वपूर्ण बातें पढ़ी। आप इस क्लास को बार बार, एक बार दो बार देखें ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद हो, और सीमित अभिक्रिया, हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया, स्टीपन अभिक्रिया, इनको बार बार दोहराए और अच्छे से याद करें। ये वीडियो, ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। आप लगातार मेहनत करते रहिए, हर वीडियो को देखते रहिए। हमारी पूरी टीम की, ओजोन संस्थान का, आपके साथ आशीर्वाद, मेहनत, सब कुछ आपके साथ है। आप बहुत अच्छा करोगे, पूरे राजस्थान में आप बहुत अच्छा करोगे। धन्यवाद।